गांवा थाना क्षेत्र स्थित पटना पेहरा मुख्य मार्ग पर मंगलवार की सुबह 7 बजे चार चक्का स्कूल वाहन और बाइक की टक्कर हो जाने से 35 वर्षीय युवक अजय मिस्त्री की मौत घटना स्थल पर हो गई। मौत के तुरंत बाद ग्रामीणों की मदद से पटना चौक पर शव को लाकर सड़क जाम कर उचित मुआवजे की मांग की जा रही है। मौके पर थाना प्रभारी सनी सुप्रभात, वीडियो महेंद्र रविदास, भाजपा विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, जिला परिषद पवन चौधरी आदि शामिल रहे। अभी गांव प्रखंड पटना चौक पर मालडा में एक एक्सीडेंट हुआ जो बहुत दुखद है। गरीब परिवार से था, जो कमाने वाला एक ही व्यक्ति था, उसका 3 गो बच्चा है, 2 बेटी 1 बेटा है, और मारा है उसको स्कूल गाड़ी वाला। और हम कहना चाहते हैं कि सरकार इनका पूरा मुआवजा दे गरीब परिवार को। और ये स्कूल वाला लोग जो है, स्कूल वाले लोग जो देखते हैं कि हर एक स्कूल में एक कावाड़ी से गाड़ी खरीदते हैं और बगैर लाइसेंस के बच्चा लोग गाड़ी चलाता है, और बड़ा मतलब कि गाड़ी विचित्र तरह से चलाता है, बोलने पर भी इन लोग सुनता नहीं है। और जो गाड़ी मतलब स्कूल चालक जो लोग हैं वो कावाड़ी गाड़ी को ही खरीद के स्कूल में अपना चलवाते हैं। तो कहना चाहेंगे कि यहाँ की सरकार को कि उनका गरीब परिवार को मुआवजा मिले। गाड़ी के दुर्घटना से जो मौत हुई है ये बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है, और इस मौत से पूरा समाज मर्माहत है। और सबसे बड़ी बात का हम मांग करते हैं कि गांव प्रखंड में इसके पहले भी ट्रैक्टर से 2 मजदूर पलट करके मर गया, उसका भी मतलब जो है सो इंश्योरेंस नहीं थी गाड़ी का ना ड्राइवर का। आज भी जो वैन है जिससे बच्चों को ले जाया जा रहा था उसका भी इंश्योरेंस नहीं है ना ड्राइवरी लाइसेंस है। इसलिए हम DTO से और ख़ास करके गाँव के अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी से मांग करते हैं कि गाँव प्रखंड में चाहे वो ट्रैक्टर हो, टेम्पू हो या बस, जो पब्लिक बस चल रही है गिरिडीह टू रांची चाहे पीरा, ये तमाम गाड़ियों को जो है सो इंश्योरेंस और ड्राइवरी लाइसेंस को चेक किया जाए। और जो स्कूल की गाड़ियाँ हैं जो इसका उपयोग करता है, यदि इन चीज़ों को लोग पूरा नहीं करेगा तो ऐसे संचालकों पर कार्रवाई की जाए। आज जो ऐसे स्कूल वैन एक आदमी मार दिया, यदि उस वैन में 20 बच्चे जा रहे थे और यदि किसी प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट जाती तो उन बच्चों को भी क्या होता, उनके परिवार पर क्या होता। इसलिए हम लोग इस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं गाँव प्रखंड नहीं पूरे इस क्षेत्र के लोगों से, नागरिकों से अपील करते हैं कि चाहे वो 2 चक्का वाहन चलाने वाले हो, चाहे बलोरो हो, स्कॉर्पियो हो, ट्रैक्टर हो, टेम्पू हो, पीके वैन हो, सभी गाड़ी के लोग अपना अपना इंश्योरेंस ड्राइवरी लाइसेंस मस्ट करावें। और नहीं तो हम थाना प्रभारी को भी कहना चाहते हैं कि आप सप्ताह में 2 दिन जो है सो लगावें आपके कैंप ऐसी जो चेकअप, और उन लोगों पर सीधा कार्रवाई करें। कोई पैरवी नहीं, कोई सोर्स नहीं, जी सीधा है जो व्हीकल नियम है उसको लागू करें, ताकि लोगों का इसके बाद में भी एक बड़ा सवाल ये भी है कि बहुत से नौजवान लोग तेज में गाड़ी चलाते हैं और जो है सो लोग आपके जो है सो ये खास करके अथी नहीं क्या बोलते उसको पहनते नहीं है, हेलमेट नहीं पहनते, तो ये भी हेलमेट भी मस्त हो। आज हेलमेट पहन करके लोग चले तो 70% मौत की मतलब जो है सो संख्या घट जाएगी। लेकिन आज देखेंगे कि हेलमेट नहीं पहनने के कारण आए दिन महीना में 10 नौजवानों की मौत हो रही है, समय से पहले उनके परिवार पर, उनके जीवन पर, उनके क्या गुजरता है, ये सभी लोगों को आज हमको विचार करने की ज़रूरत है। और हम अपील करते हैं सभी नौजवानों से कि हेलमेट पहन करके, ड्राइवरी लाइसेंस लेकर के, जूता मोजा पहन करके आप चलें। आप अपने लिए चल रहे हैं, अपने जीवन के लिए चल रहे हैं, अपने परिवार के लिए चल रहे हैं, आप अपनी सुरक्षा की गारंटी स्वयं करें। और नहीं तो कल यदि प्रशासन आप पर एक्शन लेगा तो उस समय कोई पैर भी नहीं करेंगे।
झारखंड का नंबर वन टैटू आर्टिस्ट सुमित टैटू आर्टिस्ट, नियत बिहारी लाल चौधरी, हरि मंदिर रोड, हीरापुर, धनबाद। नए जमाने के लेटेस्ट टैटू बनवाएं और सबों के दिलों में छा जाएं, या पुराने टैटू रिमूव करवाएं और डिफेंस बहाली की अड़चनों को दूर करवाएं। पूजा स्पेशल ऑफर 50% डिस्काउंट का लाभ उठाएं। तो आज ही कॉल करें 7050005998 पर